लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन से इज 70 केजी स्क्वायर स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट हाइट एच इज इक्वल टू 22 मीटर अबव द एंड ऑफ ए स्काई जंप रैंप एंड लीव्स द रैंप एट एन एंगल ऑफ 28 डिग्री. नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड एज्यूम दैट रैंप इज फ्रिक्शनलेस. ए पार्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एच ऑफ हिज जंप अबव द एंड ऑफ द रैंप. बी पार्ट इज इफ ही इंक्रीज्ड हिज वेट बाय पुटिंग ऑन ए पेपर बैग बैकपैक ओके वुड एच देन बी ग्रेटर लेस और द सेम. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इस क्वेश्चन में देखिए मैं क्या फाइंड आउट करना है. 70 केजी का स्काई था जो आपका रेस्ट से स्टार्ट हुआ एट हाइट 28 मीटर ओके एंड ऑफ द स्काई वन रैंप आपको यहाँ पर बताया गया एंड लीव्स द रैंप एट एन एंगल ऑफ 28 डिग्री ओके. नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस हमें क्या पता करना है पर मैक्सिमम हाइट एच यहाँ पर कैलकुलेट करना है ओके एट द एंड. और अगर वो अपने बैक बैकपैक का वेट इंक्रीज करेगा तो जो एच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें ये बताना है ओके. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एनर्जी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए ओके. क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओके. एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए लगा रहे क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी डिसिपेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. क्या कर रहा है कोई भी डिसिपेटिव फोर्स क्या कर रहा है एक्ट नहीं कर रहा ओके. देखिए जब आपका ये स्क्वायर कहता है एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब यह है कि जो आपका सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी इट शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये क्या होगा आपका कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल होगा ओके. हम इस टर्म को यहाँ पर क्या करेंगे यूज करेंगे ओके. तो देखिए इनिशियली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. जब आपका स्क्वायर कहता है देखिए एट ए हाइट एच इज इक्वल टू 22 मीटर बताओ ओके. तो देखिए ये यहाँ पर क्या था रेस्ट पर था ये इनिशियल पर रेस्ट पर था ओके. तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लीजिए जीरो मान लीजिए ओके. इसके पास कुछ हाइट है ओके. ये इनिशियल वेलोसिटी है ओके. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ओके. ये आपकी जीरो है ओके. इसके पास तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी. इसके पास कुछ समथिंग हाइट है तो इसके पार क्या हो गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिनोट कर रहा है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये जीरो के इक्वल नहीं होगी ओके. और देखिए जब ये आपका एंड ऑफ द रैंप पर पहुंच जाएगा ओके एंड ऑफ द रैंप पर हम पहुंच जाएगा तो इसके देखिए आपकी टोटल हाइट कितनी है उसके यहाँ पर टोटल हाइट कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी ओके. ये एंड ऑफ द रैंप है इसको मैं सेकंड सिचुएशन बोल रहा हूँ. ये आपकी फर्स्ट जब वो हाइट पर था ओके. जब उसकी हाइट कितनी होगी यहाँ पर जीरो हो गई ओके. जब उसकी हाइट क्या होगी यहाँ पर जीरो होगी ओके. तो देखिए यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी. और यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी टोटल जितनी भी एनर्जी होगी ऑल द एनर्जी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी को वी लिख लेता हूँ मैं ये आपकी नॉन जीरो के इक्वल होगी. और इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी नॉन जीरो होगी ओके. तो चलिए मैं यहाँ पर क्या लगा लेता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेता हूँ ओके. तो इनिशियली इसके पास क्या है टोटल आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी आपकी एम जी इंटू एच वेयर एम इज द मास ऑफ द स्क्वायर ओके. स्क्वायर का मास आपने एम एज्यूम कर लिया ओके. और जब ये देखिए यहाँ पर देखिए मैं इसको इसका फिगर भी चलिए ड्रॉ कर लेते हैं ओके. ये आपका इस तरीके से कुछ है ओके. ये आपका इस तरीके से इसकी ट्रेजेक्टरी देखिए दी गई है ओके. ये हाइट आपको ऐसे यहाँ पर क्या करनी है कैलकुलेट करके बतानी है ओके. यहाँ से यहाँ तक कुछ ये आपकी वेलोसिटी है जो आपका थीटा है. मान लीजिए इस वेलोसिटी को मैं अभी कुछ नहीं मानते क्योंकि हमारे यहाँ पर दो अलग अलग केसेस हैं ओके. ये आपका कैपिटल एच हाइट है ओके. इस पोजिशन को मैं देखिए यहाँ पर मैं पोजिशन लिख लेता हूँ. इसको मैं पोजिशन वन बोल देता हूँ. इसको मैं आपका टू बोल देता हूँ. ये सिचुएशन को मैं क्या बोल देता हूँ टू बोल देता हूँ. और इस सिचुएशन को मैं क्या बोलता हूँ आपका थर्ड बोल देता हूँ ओके. अब देखिए वन पर देखिए आपकी टोटल एनर्जी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी के रेस्ट पर तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी ओके. जब इस सेकंड पर पहुंचेगा सेकंड पर देखिए यहाँ से आपका पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल से कैलकुलेट कर रहे हैं ओके. यहाँ पर एच कितना आपका जीरो हो जाएगा जीरो हो जाएगा. तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो. जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी ओके. तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ एम यू मान लीजिए ओके. यू मान लेते हैं चलिए यू मान लेते हैं कितनी एनर्जी यहाँ पर इसकी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम जी स्क्वायर हो जाएगी ओके. अब देखिए बच्चों यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं एम जी एच किसके इक्वल आ गया क्या एम यू स्क्वायर. तो एम से आपका एम कैंसिल हो जाएगा. जी एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी यू स्क्वायर बाई टू के इक्वल आ गई ओके. और आप इसको यहाँ से और क्या लिख सकते हैं देखिए इसको हम लिख सकते हैं देखिए यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से टू जी एच के इक्वल आ गई ओके. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यूज भी क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं. टू इंटू जी की वैल्यू कितनी है आपकी 9.8 इंटू एच. एच कितना आपका देखिए 22 मीटर है ओके. इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिए ये आपका 22 इंटू 2 कितना होगा आपको 44 इंटू 9.8 कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 431.2 ओके. इतना आ रहा है ओके. यहाँ से आप देखिए यू को कैलकुलेट करें तो आपका आएगा रूट ऑफ 431.2 जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 20.76 के इक्वल आ रहा है ओके. 20.76 मीटर पर सेकंड ओके. तो ये आपकी स्पीड आ गई ओके. ये स्पीड कब है जब आपका यहाँ पर पहुंच गया ओके. दिस इंस्टेंट पर सेकंड पॉइंट पर आपकी स्पीड आ जाएगी यू ओके. अब क्वेश्चन में देखिए उसने क्या बोला है
इसका ओके आपको 28 डिग्री का एंगल थीटा गिवन है, नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड एज्यूम द रैंप इज फ्रिक्शनलेस, ये तो हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एच ऑफ हिज जंप अबव द एंड ऑफ द रैंप, ओके ये हाइट हमें मैक्सिमम हाइट एच यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ओके तो देखिए बच्चों, जब ये आपका सेकंड पोजिशन का था, जब आपका यहाँ पर था, ओके इसकी वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी क्या इस डायरेक्शन, ओके इसकी वेलोसिटी का एक रैंप की डायरेक्शन क्या लगूंगी, एक वेलो कंपोनेंट ये होगा, इसको मान लीजिए मैं एक्स एक्स एक्सिस का लगूंगा यूएक्स बोल देता हूँ, एक कंपोनेंट क्या होगा आपका यूवाई होगा। ओके और फाइनली देखिए जब यहाँ पर पहुंच गया, मैं हाइट कैलकुलेट करनी है, हाइट क्या आपका अगर मैं यहाँ पर एक्सेस डिफाइन कर लूँ, दिस इज अवर एक्स एक्स, दिस इज अवर वाई एक्सेस। ओके तो देखिए जबकि हाइट है, हाइट आपकी वाई एक्सेस के अलॉन्ग है, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सेस के अलॉन्ग हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके वी हमें पता है, थीटा हमें पता है, कैलकुलेट हो जाएगी। ओके और आपकी फाइनल जब एच पर पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता है। ओके तो देखिए एट पॉइंट थर्ड, थर्ड पॉइंट की सिचुएशन हम देखें तो देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। ओके पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हम इसको पॉजिटिव एस ले रहे हैं। ओके एक्सेलरेशन क्या लेगा पूरे रास्ते में, अगर हम वाई एक्सिस का लॉन्ग मोशन कंसिडर कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी लगेगा। ओके इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी लिख लीजिए देखिए यू का कितना हो जाएगा साइन थीटा, यू का साइन थीटा। ओके दिस विल बी इनिशियल वेलोसिटी। ओके और क्या हो जाएगा जब ये आपका मैक्सिमम हाइट यानी कि थर्ड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो इनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। ओके अब आपको यहां से क्या करना है एच कैलकुलेट करना है, तो देखिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as को हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, v आपका फाइनल जीरो हो जाएगा, माइनस u साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, u साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी आएगी माइनस सी इंटू एच, एच कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा देखिए आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया आपका 2gh के यहाँ से इक्वल हो जाएगा। ओके ओके ये बिल्कुल सही है। ओके अब देखिए अब आप कर लीजिए यहाँ पर आप क्या कर लीजिए इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए। ओके यू कितना आपका देखिए यू आपका है 20.76 इंटू साइन थीटा, साइन कितना 28, साइन 28 की वैल्यू आपकी आ रही है, साइन 31/2 होता है तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, इसका स्क्वायर कर लीजिए इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी इंटू एच, जी की वैल्यू 9.8 पुट कर लीजिए तो हो जाएगा 19.6 इंटू एच। ओके यहाँ से हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके तो देखिए बच्चों 20.76 इंटू 0.47 कर रहे हैं तो यार आपका 9.75, ओके 9.75 का स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 इंटू एच। ओके यहाँ सब इसको ऐसे लिख लीजिए। ओके अब 9.75 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यार आपका 95.06 डिवाइडेड बाय 19.6 इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो हाइट आ रही है वो आ रही है 4.85 मीटर के अराउंड आ रही है। ओके 4.85 मीटर आ रही है। ओके तो हम लिख सकते हैं दिस विल बी द हाइट, ये क्या जाएगी आपका हाइट हो जाएगी एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एच ऑफ इज जंप अबव द एंड ऑफ द रैंप, तो आपका 4.85 मीटर तक, यानी कि ये हाइट क्या होगी आपकी 4.85 मीटर तक क्या करेगा आपका जंप करेगा। ओके अब देखिए ये आपका ए पार्ट है, एक पार्ट और है उसमें क्या पूछा है, इफ ही इंक्रीज हिज वेट बाई पुटिंग ऑन हिज बैक पैक वुड एच वुड एस देन बी ग्रेटर लेस और सेम। ओके तो बोला कि अगर उसका वेट बढ़ जाए, मास बढ़ा दें यानी कि मास बढ़ा देंगे तो फोर्स इनटू ग्रेविटी वेट है। ओके वो इंक्रीज हो जाए तो क्या एच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपकी एच है, एच यहीं से एक्सप्रेशन से कैलकुलेट की थी, इसमें आपकी कोई मास की डिपेंडेंसी दिख रही है, कोई मास की डिपेंडेंसी नहीं और वो हमें वैसे ही पता है। ओके तो मास की डिपेंडेंसी क्यों नहीं होती, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, वो सिर्फ आपकी इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ओके तो देखिए हम कितना भी मास इंक्रीज कर लें हाइट पर क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हाइट क्या है आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है। ओके तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी पार्ट का आंसर क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। ओके तो देखिए आपने से दो पार्ट पूछे थे, ए पार्ट में आपने हाइट पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4.85 मीटर और सेकंड पार्ट में क्या रहेगा आपका आंसर सेम हो जाएगा। ओके सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।